हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शुभेंदु सरकार और आप सभी का स्वागत है रिदम मैसन पर। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद में फिर से आ गया हूं। एक्चुअली तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, तो आज मेरे पास एक स्पेशल कंटेंट है। वो इस तरीके से है कि आपने तबले में कई सारे कंपोजिशन सुने हैं और बजाए भी हैं, लेकिन तबले के जो आपने देखे होंगे कि कुछ एक्सटर्नल आवाज़ें है ना, जो बहुत ज़रूरी भी है सीखना समझना, वो आवाज़ें कहाँ से हम प्रोड्यूस करें। तो देखिए, तबले का जो पूरा सेट होता है, छोटा सा हैमर और आपका ये दाहिना और बाया और ये जो लकड़ी का पट्टा, तो इससे आप कई सारे, जैसे कि आप अगर प्ले में काम कर रहे हैं है ना, अगर आप प्ले बोले तो जैसे कि ऑपेरा या फिर नाटक जिसे बोलते हैं, तो उस पर आप ड्रामा या फिर इस तरीके से आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें, लोगों के चलने की आवाज़ें, कोई जब हंसता है तो कौन सा साउंड होना चाहिए, या फिर कुछ इस तरीके से, जैसे क्रिटिकल माहौल सिचुएशन में कौन सा साउंड आप तबले में से निकाल सकते हैं, है ना। तो वो सब मैं आपको आज छोटे छोटे करके, तबले में हम किस तरीके से उन साउंडों को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर तबले के साथ हम उस तरीके से क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि वो माहौल क्रिएट हो, तो आइए उसको देखते हैं, समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहला साउंड आपको वो बताना चाहूँगा जो कपिल शर्मा के शो में अधिकतर आपको सुनाई देता है। तो आपने देखा होगा उनके पास एक हथौड़ा होता है और वो इस तरीके से करते हैं। अब ये करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए ये साउंड सुन के ही थोड़ा सा फनी फनी टाइप का मूड आ रहा है। तो ये साउंड हम इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हथौड़े को थोड़ा सा आप हल्के हाथ से रखेंगे, एकदम घिसना नहीं है इसको, है ना, हल्के हाथ से रखेंगे और थोड़ा सा स्लाइड करते हुए बीच तक लेके जाएंगे। देखिए किस तरीके से, ये देखिए साउंड सुनिए, है ना। और अगर इसी साउंड को थोड़ा सा और स्पीड में करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से भी आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कोई हंसी मजाक का टाइम चल रहा हो या फिर कोई फनी सिचुएशन चल रहा हो, तो इस तरीके से आप इसको साउंड इसका प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी के साथ आप इसमें कुछ, है ना, टूटा या फिर कुछ खुला अचानक से, तो आप इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। और अगर कोई चल रहा है जैसे कि चलने की आवाज़, तो हम इससे हम उसको दिखा सकते हैं। और अगर आपने देखा ही है कि अधिकतर हम जैसे घोड़े की चाल, ट्रेन की चाल, अनाला फराना सब कुछ हम तबले से दिखाते ही हैं, वो तो आप तो सब जानते ही हैं। और लगभग लगभग जैसे कि आप देखिए डग्गे में कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे हम मोमेंट में इसको भी दिखा सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको टोन बजा के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे स्पेशल इफेक्ट्स हैं, तो ये आप इसको सीख सकते हैं, इसको बजा सकते हैं। और इसी तरीके से एक मेरे पास एक और आइटम भी है, तो देखिए इसके पीछे से अच्छा साउंड आता है, तो क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या घूमा था, इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आपके डग्गे के नीचे इस तरीके से साउंड आता है तो दोस्तों आपने देखा किस किस तरीके से हम तबले में से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तबले में से हम बहुत सारे अन्य अन्य साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप खुद से इसको समझेंगे, फील करेंगे, तबले के साथ जुड़े रहेंगे, तभी आपको खुद से समझ में आएगा। अब आपको जो साउंड जहाँ यूज़ करना है वो साउंड आपको खुद से जानकर आप, मैंने इसको मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिया है,
बारीकी से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे साउंड्स हैं, वो आपको खुद से जानकर आप उसको अगर प्रयोग में लाएंगे तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मैं बता भी दूंगा तो आप ऐन मौके पर आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे किस तरीके से साउंड कहाँ से निकालना है। तो जो मोटे मोटे साउंड है जो अक्सर यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से आप बने रहिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।